नगर विधायक मनीष असीजा की बुद्धि शुद्ध को किया गया हवन। एमबीबीएस छात्र मौत को लेकर न्याय के लिए पिछले 5 दिनों से सुभाष तिराहा पर धरने पर बैठे पिता ने दिया बड़ा बयान। बोले, घर आकर डिप्टी सीएम को हैंड फ्री कर लगाया फोन, जब कार्यवाही की कही बात उधर से आया जवाब, आपने ही तो किया था मना, इसलिए नहीं हुई कार्यवाही। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र की फांसी लगने से हुई मौत मामले में पिछले 5 दिनों से सुभाष तिराहा पर धरने पर बैठे पिता ने नगर विधायक मनीष असीजा को लेकर बड़ा बयान जारी किया है और उनकी बुद्धि शुद्धि के धरनास्थल पर हवन भी किया। बताया गया, पिछले 5 दिनों से कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र शैलेंद्र शंखवार की फांसी लगने से हुई मौत मामले में उसके पिता उदय सिंह सुभाष तिराहा पर धरने पर बैठे हैं, जहां धरनास्थल पर आज उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया और मीडिया को बताया कि पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई सुध लेने नहीं आया। बताया, कल सुबह लगभग 10 बजे विधायक मनीष असीजा, उनके साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, उनके साथ नामित पार्षद सुरेंद्र राठौर, साथ में मोहल्ले के 15-20 लोग पहुंचे, जहां फोन निकालकर मेज पर रखा लगाया डिप्टी सीएम जी को और हैंड फ्री कर दिया और बोले, सर आपके पास हम आए थे, पीड़ित परिवार को साथ में लेकर आए थे, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शैलेंद्र सिंह बच्चा है, एमबीबीएस में खत्म हुआ है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डिप्टी सीएम साहब ने उधर से कहा, आप आए थे, हमने आपको सचिव साहब के पास भेजा था, आप ही तो मना कर गए थे, कोई कार्यवाही नहीं होनी है, हमने इसीलिए तो कोई कार्यवाही नहीं की है। फिर बोले विधायक, उन्होंने तो मना नहीं किया है, नहीं मना किया है तो एक बार फिर सचिव साहब से बात कर लो, तो हमने ये हवन इसलिए किया है, हमारे जैसे दलित पिछड़े लोगों को विधायक जी कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, आइंदा से किसी से भी विधायक इस तरह की बात। कितने दिन से धरने पर बैठे हैं, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? भाई साहब, पिछले 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई शासन या प्रशासन से कोई अधिकारी आकर के हम पे यहाँ पर नहीं मिला है, और ये जो हमने हवन किया है वो इसलिए किया है कि हमें कल एक बात मालूम पड़ी। सुबह नगर विधायक माननीय मनीष असीजा जी हमारे आवास पर पहुँचे, जब हम यहाँ पर आ रहे थे धरना देने के लिए लगभग 10 बजे थोड़ा पहले पहुँचोगे, 10 बजे के लगभग मान लो, और उनके साथ में माननीय महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार जी पहुँचे और उनके साथ में एक नॉमिनेट पार्षद सुरेंद्र राठौर जी भी पहुंचे और हमारे मोहल्ले के 15-20 लोग भी थे। तो विधायक जी ने फ़ोन निकाला और मेज पर रखा, फ़ोन लगाया डिप्टी सीएम साहब के लिए और वो फ़ोन हैंड फ्री कर दिया। विधायक जी ने हैंड फ्री करके डिप्टी सीएम साहब से कहा कि सर हम आपके पास आए थे, पीड़ित परिवार को लेकर के आए थे और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे थे वो शैलेंद्र सिंह बच्चा है, एमबीबीएस ख़त्म हुआ है फिर बाद में, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो डिप्टी सीएम साहब ने उधर से कहा कि आप आए थे, ठीक है, हमने आपको सचिव साहब के पास भेजा था, बोला आप ही तो मना कर गए थे, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हमने इसीलिए तो नहीं कोई कार्रवाई की इसमें, अगर आपको कार्रवाई, बोले नहीं साहब मैंने तो मना नहीं किया, नहीं मना किया तो एक बार सचिव साहब से फिर बात कर लो, फिर बता लो कार्रवाई हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने ये हवन इसीलिए रखा है कि हमारे जैसे दलित और पिछड़े लोगों को माननीय विधायक जी इस तरह से कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कब तक घुमाते रहेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसीलिए हमने ये अवर रखा है कि आंदा से विधायक जी इस तरह की बातें न करें।